नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस के केंद्र चुनाव समिति की बैठक आज है। बता दें नई दिल्ली में यह बैठक होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने मोर्चा खोल दिया है। लखमा अपने बेटे हरीश लखमा को बस्तर से टिकट देने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। वे अपने बेटे और समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। बताते हैं कि लखमा ने आलाकमान के सामने ही बैज को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की है। लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा, विक्रम मंडावी, संतराम नेताम, मिथिलेश स्वर्णकार, राजीव शर्मा, राजमन बेजाब समेत कुछ जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य भी दिल्ली पहुंचे हैं। बस्तर से मौजूदा सांसद दीपक बैज की सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा या उनके बेटे हरीश लखमा के नाम को पैनल में रखा गया है। बैज खुद भी इस बार बस्तर से चुनाव लड़ने के लिए खास रुचि नहीं दिखा रहे। ऐसे में संभावना है कि यहां से लखमा परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता हेमंत लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, अब कांग्रेस में गहमा गहमी तेज होती जा रही है टिकट बंटवारे को लेकर। ये खबर सामने आई है कि बस्तर सीट से पीसीसी चीफ दीपक बैज शायद इस बार चुनाव ना लड़े। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी ने 11 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया त्रिशा, लेकिन कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पा रही है कि किस लोकसभा से किस प्रत्याशियों को उतारा जाए। लगभग ये खबर सामने आ रही थी कल कि 7 नामों को लेकर सिंगल जो नाम है उसका पैनल तैयार किया गया है और उसमें पूर्व मंत्री तामदास साहू का नाम था। ये सब चुनाव लड़ेंगे, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी खबर आई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेच है वो बस्तर सीट को लेकर फंस रहा है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बस्तर की सीट कांग्रेस ने जीती थी, दीपक बैज सांसद बने थे। लेकिन इस बार जो पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा और जो कोंटा से विधायक हैं कांग्रेस के, वो अपने बेटे को वहां से टिकट दिलाने के लिए अड़े हुए हैं। यहां पर भी कई नेताओं से उनकी चर्चा हुई थी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी वो मिले थे और स्पष्ट तौर पर कहा था कि बस्तर से उनके बेटे कवासी, हरीश कवासी को वहाँ पर टिकट दिया जाए। और उसके बाद खबर जो निकल कर सामने आ रही है, दिल्ली वो गए हैं तमाम समर्थकों के साथ और वहाँ पर मांग उनके द्वारा की जा रही है कि बस्तर से उनके बेटे को टिकट दिया जाए। चूँकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक 11 नामों को लेकर आसाम तक हो सकता है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर। हालांकि उसमें ये देखने वाली बात होगी कि बस्तर में आखिरकार किसको टिकट मिलता है, क्योंकि जो पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, उन्होंने बस्तर लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव नहीं लड़ने का कोई मन नहीं बनाया था, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी। तो इसलिए पेच काफ़ी फंसा हुआ है और अब ये देखना होगा जब लिस्ट सामने आएगी 11 लोकसभा सीटों की कांग्रेस की, तब बस्तर से किसे टिकट मिलता है। जी बिल्कुल हेमंत, जैसा कि आपने बताया कि कवासी लखमा चाहते हैं कि बस्तर सीट से इस बार उनका बेटा जो है वो चुनाव लड़े, और मौजूदा स्थिति की बात कर ले तो यहाँ से सांसद है दीपक बैज। अब कहीं ऐसा ना हो, संभावनाएं शायद ऐसी हो सकती हैं कि कांग्रेस में ये जो कंफ्यूजन चल रहा है आपस में ही, इसकी वजह से ये जो बस्तर सीट कांग्रेस के खाते में है ये भी कहीं इस बार हाथ से ना चली जाए। देखिए, ऐसा हो सकता है अगर गुटबाजी इस तरह की निकल कर सामने आई और ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि हमने स्पष्ट तौर पर विधानसभा चुनाव में ये देखा कि जब टिकट वितरण हुआ कांग्रेस की पहली सूची आई, काफ़ी विरोध हुआ था। कई जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने निर्दलीय बागी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हमने वो सीट भी देखी जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष कई जगह पर हुआ और सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ था। तो बगावत ना हो सीटों के ऐलान के बाद, ये भी जरूरी चीज़ है कांग्रेस के लिए, ये भी चिंता का विषय है। अगर बस्तर सीट को लेकर देखिए, अगर कवासी लखमा के बेटे को टिकट नहीं मिलता तो निश्चित तौर पर वो अंदरूनी नुकसान वहाँ पर पहुँचा सकते हैं।
क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से चीजें निकल कर सामने आती है और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बीच अनबन की खबर पहले भी आती रही है, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जब दीपक बैज चित्रकूट से चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर नुकसान पहुंचने की खबर आई थी कवासी लखमा के द्वारा, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया था, ऐसी खबर बाद में निकल कर सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर अगर बस्तर सीट को लेकर क्लियर कांग्रेस नहीं करती और स्पष्ट तौर पर कुछ नई रणनीति नहीं बनाती तो वो भी सीट कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। चलिए ठीक है हेमंत, आप बने रहिए, कुछ और भी खबरों पर मैं आपसे जानकारी लूंगी।